हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। दोस्तों, दुनिया में अगर कोई भी काम आपको करना है तो एक टारगेट लेना पड़ता है। सपोज़ कीजिए आपको कोई 15-20 दिन बाद कोई काम है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप 90% ताकत लगा देते हैं अपनी, तभी वो कंप्लीट हो पाता है। अब ऐसे ही अगर एग्ज़ाम अगर आपका अक्टूबर में भी पोस्टपोन हो जाता, नवंबर में भी हो जाता या दिसंबर में भी हो जाता, तो जिन लोगों को नहीं करना था वो नहीं कर पाते। और जितना जल्दी कोई काम होता है वो उतनी जल्दी टारगेट लेके किया जाता है। अब सपोज़ कीजिए कि आपका एग्ज़ाम 12 सितंबर है, तो आप 12 सितंबर के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं अपनी। जितना सिलेबस आपको कवर करना है उतना, उससे ज़्यादा आप कवर करेंगे। अगर यही अक्टूबर में चला जाएगा तो आप थोड़े से सेटिस्फेक्शन हो जाएंगे कि यार अब अक्टूबर में चला गया, अभी टाइम है, कर लेंगे। और उसी वजह से कर लेंगे के चक्कर में ही वो इतना लेट हो जाता है कि फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इसलिए अगर सितंबर 12 को भी एग्ज़ाम है तो आप जो भी है वो फेस करना सीखिए, जो भी है वो करना सीखिए, बेहतर होगा, अच्छा होगा, ये उम्मीद कीजिए। क्रैक कीजिए नीट का एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई पोस्टपोन का भी कोई ख़बर नहीं है, ना ही NTA की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच।